इस एप्स को सरकार को वापस लेना पड़ेगा, इसलिए हम भारत देश के हर स्टेट से इस धरने पे बैठ रहे हैं। ये जो एप लाया ला रहा है, इससे कोई भ्रष्टाचारी खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचारी खत्म करने के लिए तो इस कानून में अपने आप प्रावधान है सोशल ऑडिट का, उसको मजबूत करे। ये जो ऑनलाइन हाजिरी जो एप्स आया है, इसमें पूरे मजदूर उसमें काम ही नहीं कर पा रहे। नमस्कार, मैं गौरव, आप देख रहे हैं N27 न्यूज़। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और हमारे आप पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे मज़दूर मौजूद हैं। ये सब मनरेगा से हैं और 45 दिनों से ये यहाँ पर टिके हुए हैं। तो मनरेगा, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी, और मनरेगा जो मज़दूरों को 100 दिन तक की गारंटी काम करने की योजना देती है, ये उन्हें संकल्प रखती है कि मज़दूरों का काम अवश्य मिलेगा। लेकिन आज इसी मनरेगा पर कई सारे मज़दूरों के सवाल हैं, जिसको लेकर वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो चले चलते हैं और उनसे बात करते हैं। नाम? मेरा नाम सुमारू राम है, मैं छत्तीसगढ़ सरगुजा से आया हूँ, और यहाँ पर मनरेगा संघर्ष पर आए हैं। जो भी हमारा जो आपको दिक्कतें आ रही है मनरेगा में, जो इतने दिनों से आप आंदोलन कर रहे हैं, इसमें हमारा ये दिक्कत आ रहा है कि क्या कहते हैं, ऑनलाइन हाजिरी भरता है, उसमें जो उसी में दिक्कत आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ महिला मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि मनरेगा में उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम निर्मला क्रिकेटा है, और मैं छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संगठन, जो हमारा संगठन है, और हम उस संगठन के साथियों के साथ में काम करते हैं। अब आपको क्या दिक्कतें जो हैं वो सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ जंतर मंतर में 45 दिनों से मौजूद हैं? देखिए, मनरेगा जो कानून मजदूरों के लिए बनी थी, तो उसमें शुरू में मनरेगा कानून आने से मजदूरों को बहुत कुछ फायदा उसमें दिखा, और मनरेगा कानून ही एक ऐसा कानून था जो गांव की महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं हुआ। उसमें जो मजदूर काम करेगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, दोनों को बराबर का मजदूरी मिलता था, और उसके साथ में अलग अलग तरह की उसमें फायदेमंद चीज़ें भी हुई, जैसे कुआं, डबरी, तालाब, ये सब चीज़ बने, जिसमें लोग अपना आय का साधन भी, मतलब जैसे सब्जी खेती हुआ, मछली पालन हुआ, हर तरह से लोग अपना आय का साधन भी साथ में बढ़ा रहे हैं। उसमें दोहरा फायदा ये भी था कि हम खुद मजदूर हैं, हमारा ही खेत में समतलीकरण हो रहा है, हम खुद मजदूर बन के हमको भी उसका मतलब। इसमें सरकार का कहना है कि वो इस ऐप को ला के भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? तो इसमें इस तरह का जो हमें फायदा हो रही थी, लेकिन अब ये जो ऑनलाइन हाजिरी जो एप्स आया है, इसमें पूरे मजदूर उसमें काम ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें मस्टर रोल पूरे लोगों का निकल नहीं पाता है। दूसरी चीज़ है कि उसमें दो बार ऑनलाइन हाजिरी में दो बार हाजिरी देना पड़ता है, एक तो सुबह से जाके मजदूर वहाँ काम करेगा, अगर 11 बजे के पहले वो पहुँच जाता है तो उसका हाजिरी लगेगा, नहीं तो थोड़ा भी लेट हुआ तो वो उसका हाजिरी गया, उस दिन काम भी करेगा तो उसका हाजिरी नहीं लग पाता, 5 मिनट भी चाहे लेट हुआ मजदूर। हाँ, और दूसरी बात है कि अगर काम करने के बाद वो उसको वहाँ बैठना पड़ता है अगली हाजिरी के लिए, मतलब शाम को भी हाजिरी लगेगी, तब तक वो वहाँ अगर उसका गोदी खत्म भी हो गया, मिट्टी काट के खत्म किया, तो भी उसको इंतजार करना पड़ता है। मजदूरों का समय भी इससे बर्बाद हो रहा है। हाँ, समय भी वहाँ बर्बाद हो रहा है, और इस तरह से, और बहुत मजदूर जो 100 दिन 150 दिन पूरा कर रहा था, उन मजदूरों का भी इसमें और अलग अलग तरह के, जैसे KYS कराना पड़ रहा है, फिर आधार लिंक, ये सारी जो सिस्टम आई है ना, ये मजदूरों के समझ से परे है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं। पहले बहुत अच्छा, इसके आने से पहले मजदूरों को इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था, लेकिन इस एप्स के जरिए बहुत ज़्यादा मजदूर परेशान हैं। यानी अगर इस ऐप को लाना है तो पहले मजदूरों को शिक्षित किया जाए। शिक्षित एप्स को लाना ही नहीं है, इस एप्स को सरकार को वापस लेना पड़ेगा, इसलिए हम भारत देश के हर स्टेट से इस धरने पे बैठ रहे हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों को और इस एप्स को वापस नहीं लेती है, हम इस धरने पर अड़े हुए रहेंगे। और ये एप्स है जो ये ऐप कहीं ना कहीं इसलिए ला रहे हैं कि मजदूरी जो काम चोरी करते हैं वो ना करें।
नहीं, इस एप्स से तो ज़्यादा चोरी हो रहा है। जो काम नहीं कर रहा है उसका अटेंडेंस भरा जा रहा है, जो काम कर रहा है उसका अटेंडेंस ऐसा ही खाली चला जा रहा है। तो मजदूर जो श्रमिक है, जो मजदूरी कर रहा है उसको तो मजदूरी नहीं मिल पा रहा है, जो मजदूर काम नहीं कर रहा है उसको मजदूरी मिल रहा है। और इसमें जो पंचायत के जो पंचायत बॉडी के जो मेंबर्स हैं उन्हीं लोगों का अटेंडेंस भरा जा रहा है और बाकी लोगों का नहीं भरा जा रहा है। इस तरह से गरीब पीछे रहते जा रहा है और गरीब अनपढ़ अशिक्षित है, इसलिए नहीं जानता है कि ये एप्स क्या है। और दूसरी बात, नेटवर्क में जो ट्राइबल एरिया है, जो जंगल पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर तो नेटवर्क का वो नहीं रहता है, सर्वर भी नहीं रहता। कई बार तो दिल्ली में ही नेटवर्क नहीं आता है। हाँ, तो ऐसे ऐसे जगह में हम लोग बसे हुए हैं और हम लोग अशिक्षित हैं, पहाड़ी कोरवा लोग भी हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप के जाति लोग हैं, वो लोग काम करते हैं लेकिन वही नेटवर्क। तो आप कोई कारण बताएंगी कि मोदी सरकार मनरेगा से छेड़छाड़ क्यों कर रही है, नए नियम क्यों उसमें ऐड कर रही है? अच्छा, मोदी सरकार इसलिए छेड़छाड़ कर रही है, पहले लोग बड़े बड़े उद्योगों में या किसी का और जो कर्मचारी है उनके अंडर होके काम करते थे और उनको थोड़ा पैसा दे के काम लिया जाता था, ज़्यादा काम लिया जाता था। और इस काम में क्या है, मनरेगा में महिला पुरुष दोनों समान है, दोनों को समान अधिकार दिया है, समान भी किया जा रहा है और पुरुषों और महिलाओं को भी समान वेतन दिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? हमारे धरने पे ये हमारा धरना मनरेगा पे केंद्रित है और हमारा धरना इसलिए है क्योंकि ये जो ऑनलाइन ऐप है इसको हटाना चाहिए। जैसे दीदी अभी बढ़िया से बताई कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, नेटवर्क का तो है ही और गलत हाजिरी का तो है ही, उसको उसके अलावा भी महिलाएं भी छूट जा रही हैं काम में। आपको लगता है कि मोदी सरकार आपको सुनेंगी? सुननी चाहिए। इतने सारे 600-700 जो मजदूर आ रहे हैं दूर दूर से, हर देश के हर कोने से आ रहे दिल्ली, तो सुननी तो चाहिए मांगे। अगर मोदी सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो उस पर आप क्या कहेंगे? अगर मोदी सरकार बात हमारी नहीं सुनती है तो हम भी सरकार की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमको काम करना है, मजदूरी है और बच्चे लोग को हम कैसे पढ़ाएंगे सरकार अगर काम नहीं देगी तो। अंत में अगर आप कुछ कहना चाहें? हम अंत में यही कहना चाहते हैं कि मजदूर के समझ के हिसाब से ये ऐप्स परे हैं और मजदूर के समझ के हिसाब से चलना चाहिए। मनरेगा कानून मजदूरों के लिए बनी थी और ये ऐप्स और ये जो सिस्टम जो बनी है अभी जो आई है ये मजदूरों के समझ में नहीं आ रही है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये ऐप्स ख़त्म किया जाए और पहले जैसे मजदूर अपना मस्टर रोल देख पाते थे, अपना हाजिरी देख पाते थे, वही सिस्टम उनके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। तो ये चलते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता से। तो सर, आपकी क्या राय? देखिए, ये जो नरेगा संघर्ष मोर्चा आज जो हड़ताल पे बैठी है, आज 45 दिन हो गया है और छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा संगठन इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और इस संघर्ष मोर्चा जो नरेगा संघर्ष मोर्चा है इसकी जो मांगे हैं उसका हम समर्थन करते हैं और हम सारे मजदूर इसके साथ हैं और ये लड़ाई बिल्कुल जायज़ है। ये कानून जो बना है मजदूरों के लिए बना है और मजदूरों के लिए ऐतिहासिक कानून, भारत में पहला बार कोई कानून बना है तो नरेगा कानून बना हुआ है। ये कानून कांग्रेस सरकार में बना, हाँ, ये यूपी सरकार के समय बना था और ये कानून बनने के बाद काफ़ी पलायन में कमी हुआ है और लोग अपने हक की बात करना शुरुआत किए हैं, इज्जत से जीना शुरुआत किए हैं और गांव में बहुत सारे एसेट बने हैं जिससे खेती में उत्पादन की बढ़ा है, लेकिन सरकार इसको आज कमज़ोर करना चाह रही है, इसमें नए नए तकनीक घुसेड़ना चाह रही है। ये जो ऐप लाया ला रहा है इससे कोई भ्रष्टाचारी ख़त्म नहीं होगा। भ्रष्टाचारी ख़त्म करने के लिए तो इस कानून में अपने आप प्रावधान है सोशल ऑडिट का, उसको मजबूत करे तो अपने आप भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो नरेगा संघर्ष मोर्चा है उसकी मुख्य मांग यही सब है कि ये ऐप जो लाया है, इनमें से जो ऐप लाया है इसको वापस दे सरकार और जो बल्कि मजदूरी की जो संख्या है 100 दिन से नहीं चलेगा उसको ज़्यादा दिन की दें और जो लेट पेमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है वो लेट पेमेंट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेट पेमेंट होने के कारण 50 तरह की तकनीकी उन्हें ले लाया, आधार कार्ड तो ले ही लाया, उसके तब बैंक में 50 से कितनी लगभग लेट भुगतान होता है अगर एक मजदूर मजदूरी करने के कितने समय बाद? देखिए, मजदूर एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये कानून गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है। मजदूर की क्षमता 15 दिन 20 दिन से ऊपर नहीं होता है,
इंतजार करने का। रोज कमाते हो, रोज खाता है, रोज खाता है, रोज कमाता है, रोज खाता है। प्रावधान है 15 दिन के अंदर भुगतान करने का, लेकिन 15 दिन क्या वो महीना, 2 महीना, 3 महीना में भुगतान होता है, और कोई तो सालों में भुगतान नहीं होता है। और ये अभी हम देखने को मिला है जो NMS जो ऐप लाया है, इसमें बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो काम किए हैं, उनकी हाजिरी नहीं हो पा रही है, नेटवर्क के अभाव में हाजिर नहीं हो पा रहा है, तो उसकी काम उसको पैसा मिलेगा ही नहीं। और इसमें एक सवाल है कि मोदी सरकार इस मनरेगा को कमज़ोर क्यों करना चाहती है? देखिए, अब ये बड़ा मुश्किल है, मोदी सरकार जिस तरह का क्यों कमज़ोर करना चाह रही है, लेकिन हमारा मानना तो है कि मोदी सरकार जिस तरह कॉर्पोरेट जगत को मदद करता है, तो कहीं ना कहीं ये सारे मजदूर बड़े शहरों में आते थे, ये सारे मजदूर बड़े ठेकेदारों के पास आते थे, और वो मजदूर अब हक की बात कर रहे हैं, अपने गांव में अपना हक की बात, मतलब वो अपनी कीमत बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मजदूरी दर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसमें कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार पूंजीपतियों को तो फायदा पहुंचा रही है, लेकिन मजदूरों को नहीं पहुँचा रही। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो सरकार है इस समय मजदूरों को ध्यान नहीं दे रही है, पूंजीपतियों को ध्यान दे रहा है, क्योंकि ये मजदूर अगर इनको गाँव में काम अच्छे से मिलेगा, पूरा काम मिलेगा, पूरा दाम उसमें मिलेगा, तो मजदूर ठेकेदारों के पास नहीं जाएगा। आज बड़े ठेकेदार कंपनी के पास सवाल करने लगा है मजदूर, बोलता है कि मुझे इतना दिन पैसा नहीं दोगे, इस रेट नहीं दोगे तो मैं काम करने नहीं जाऊंगा, तो ये सवाल बड़ा कर रहे हैं मजदूर, तो ये लगता है सरकार को अच्छी नहीं है। और इसमें एक सवाल हो रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा मुंबई जाए या किसी शहर में तो मजदूरों का बड़ा विरोध होता है कि बिहार से अगर मजदूर आ रहे हैं तो लोगों का कहना है कि वो बिहार में ही रहे, मुंबई में ना आए, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मजदूर तो अपने ही राज्य में काम करना चाहिए, अपने ही देश में काम करना चाहिए, क्योंकि अपनी जन्मभूमि में जो मजदूर काम करता है वो अलग होता है, उसकी अलग ताकत होती है, और ये बाहर काम करने के बाद तो बहुत बहुत पीड़ित रहता है मजदूर। अब ठीक है, कोई स्वतंत्रता है भारत के अंदर, कहीं भी जाके लोग कोई काम करे, मन से जाए, उसे मना नहीं है, लेकिन आदमी मजबूर से बाहर नहीं जाना चाहिए, काम की मजबूरी बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको अपने ही देश में अपने ही राज्य में काम मिलना चाहिए। और लगभग कितने मजदूरों की ऐप के आने के बाद जो पेमेंट रुक गई है? मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, मैं सरगुजा से हूँ, उसमें लगभग जो काम तो लोग शुरुआत में जब आया जनवरी में, तब काफ़ी मतलब 50% लोगों का मस्टर रोल नहीं निकल रहा है, किस तरह का उसमें हाजिरी नहीं आ पा रहा है ऐप के चक्कर में, लोग फिर जो है काम करना ही बंद कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मजदूरों के पास जो है वो स्मार्टफोन भी अवेलेबल नहीं होगा, हर किसी के पास तो नहीं होगा। नहीं, मजदूरों को बड़ा फ़ोन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उनका जो रोजगार सहायक होता है, जो उनकी काम की निगरानी का होता है, उनको एक बड़ा मोबाइल की ज़रूरत है, उनके पास बड़ा स्मार्टफोन नहीं होता, सस्ता वाला होता है जो बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो उनके पास 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह पाने वाला रोजगार सहायक बस क्या हो सकता है, तो वो बहुत परेशान है रोजगार सहायक। और कहीं ना कहीं नेट की भी गाँव में दिक्कत आती होगी? नहीं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, मेन तो वही है ना, गाँव में नेट की बहुत बड़ा समस्या है, मोबाइल फ़ोन की समस्या है, जो इस काम की मॉनिटरिंग करता है रोजगार सहायक उसके पास बड़ा फ़ोन नहीं है, नेट की समस्या है, एक साथ कई जगह काम चलेगा तो कई जगह कैसे देख पाएगा, तो ये बहुत बड़ा समस्या है। यानी इनका सरकार से सवाल है कि पहले लोगों को शिक्षित किया जाए मजदूरों को, और नेट की कनेक्टिविटी को हर गांव तक पहुंचाया जाए अगर वो इस ऐप को लागू करना चाहते हैं तो। जी बिल्कुल बिल्कुल यही बातें हैं कि सरकार पहले इस अपनी व्यवस्था करे, हर जगह नेट की सुविधा करे, उसके बाद इस पर प्लान हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जिन मजदूरों के बारे में कहा जाता है कि पसीने सूखने से पहले उनकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, लेकिन ये सारे मजदूर काफ़ी समय से यहाँ पर मौजूद हैं, और इनका कहना है कि NMMS ये एक ऐप है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग कंपनी, इसका जो है जल्दी से जल्दी मोदी सरकार को निवारण करना चाहिए ताकि ये जंतर मंतर से हटकर अपने रोज़मर्रा के काम कर सकें। कैमरामैन सुमित के साथ मैं गौरव। आप देख रहे हैं N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।